गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीएस व्लॉग। और आज हम जाने वाले हैं दीव टू सारंगपुर। बहुत ही दूर है, दीव से कम से कम 200 किलोमीटर दूर है। और हम जाने वाले हैं बोटाद डिस्ट्रिक्ट में सारंगपुर टेम्पल, जहाँ कष्टभंजन जी का टेम्पल है। बहुत ही बढ़िया टेम्पल है हनुमान जी का। और अभी हम मिलते हैं अभी रोड पे, और उसके आगे आपको दिखाएंगे हम कष्टभंजन हनुमान जी का टेम्पल जो सारंगपुर में स्थापित किया गया है। और मिलते हैं अभी कष्टभंजन हनुमान जी टेम्पल। और इससे पहले हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं सारंगपुर टेम्पल, और यहाँ पे बहुत ही क्राउड है, बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो हमारे सामने है टेम्पल कष्टभंजन देव सत्य छे। ये हनुमान जी टेम्पल है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्रख्यात है यहाँ पे। और आज सैटरडे है, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ही ट्रैफिक है। बट मंदिर के अंदर फोटो अलाउड नहीं है, कैमरा बंद रखना पड़ेगा अभी। और आप देख ही सकते हो सारंगपुर टेम्पल, और यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रस्ट का वो है सब। और अभी हम जाएंगे टेम्पल के दर्शन करने के लिए हनुमान जी के। चलो मिलते हैं बाद में। सो गाइस, अभी हमारा कष्टभंजन देव का हनुमान जी का दर्शन हो चुका है यहाँ पे। और मेरे पीछे है कष्टभंजन हनुमान जी टेम्पल, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुआ। और सॉरी गाइस, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आपका दर्शन नहीं करवा पाया, बट आप बाहर से दर्शन कर सकते हो, देख लीजिए। तो एवरीवन, आप देख सकते हो यहाँ पे कष्टभंजन टेम्पल, बहुत ही बढ़िया टेम्पल है हनुमान जी का, और बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे हैं कष्टभंजन टेम्पल। आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत ही बढ़िया टेम्पल है साई बजरंगबली। और आज सैटरडे है, इसलिए बहुत ही क्राउड है यहाँ पे। अभी हनुमान जी के तो दर्शन बहुत अच्छे हो गए हमारे, और अभी हम जा रहे हैं बाहर की ओर थोड़ा। हेलो फ्रेंड्स, सारंगपुर के आगे कुंडल है, वहाँ पे स्वामीनारायण का बहुत ही बड़ा दरबार गढ़ है, और टेंपल भी है छोटे मोटे। सो यहाँ पे बोलते हैं कुंडल धाम, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का कुंडल धाम। कुंडल दरबार गढ़ है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया है। देखते हैं अंदर कैमरा ले जाने देते हैं कि नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, और महादेव का टेम्पल है यहाँ पे। काफ़ी सारे बड़े बड़े हाथी के स्टेचूज रखे गए हैं, महादेव टेम्पल है वहाँ पे। और स्वामी नारायण मंदिर कुंडल धाम है, बहुत ही बढ़िया है घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए भी अच्छा है। वो देखिए बच्चे ऐसे ऊपर चढ़ के फोटो खींच रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। आइए आप लोग भी यहाँ पे, अच्छा फील करोगे, एकदम गार्डन जैसा। बहुत फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया मज़ा आया हमें यहाँ पे कुंडल धाम में, बहुत ही शांति है यहाँ पे। आप लोग भी आ सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। स्वामी नारायण का मैनेजमेंट सब टेम्पल, और हर एक कोई बंदा आपको ऐसे परेशान नहीं करेगा, आपको अच्छी गाइडलाइंस देगा और आपका अच्छा दर्शन भी करवाएगा, बहुत ही बढ़िया है। सो मिलते हैं अभी हम आगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुंडल धाम के एग्जिट ही पास में शनिदेव टेम्पल है, उसके अंदर एक हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही बड़ी है, आप देख सकते हो हनुमान जी। और
सो गाइस अभी हम आ चुके हैं हमारे रूम सर्किट हाउस में और बहुत ही मज़ा आया। कष्टभंजन जी के दर्शन हो गए, हनुमान जी के टेम्पल की दर्शन हो गए और शनिदेव महाराज के भी दर्शन हो गए। बहुत ही मज़ा आया हमें। और अभी हम यहाँ से हम जाने वाले हैं पेटलाद, वो उधर भी एक टेम्पल है, बहुत बढ़िया है। इसे मुझे भी नहीं पता, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, सो आपको भी दिखाऊंगा उस वीडियो में। तो मिलते हैं अभी हाईवे पे, पेटलाद हाईवे पे मिलते हैं अभी आपको। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी रामायण लिखी गई है ऊपर में, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार टेम्पल है यहाँ का। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। पूरा गोल्ड और चांदी से बना हुआ यह टेम्पल है, बहुत ही बढ़िया है। गाइस हमारा दर्शन हो चुका है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, दिखाता हूँ आगे। हमने दर्शन किया जो टेम्पल विश्वाराम बापू का टेम्पल था, बहुत ही पुराना है, उसकी बहुत ही लंबी स्टोरी है, बट यहाँ पे अपने को इतना भी पता नहीं है। बट बहुत ही अच्छा था मंदिर, गोल्ड और चांदी से प्लेटेड था। सो मिलते अभी आगे। ध्वज स्तंभ है बहुत ही बड़े, और अभी हम बढ़ते आगे मंदिर के अंदर। यह जन्मस्थल है परम पूज्य श्री विश्राम बापू नु जन्मस्थल, बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हो। खाता हूँ ये विंटेज कार, बहुत ही बढ़िया कार है, अभी तो ऐसी मिलेगी भी नहीं। फ्रेंड्स हमारा ट्रिप आज ख़त्म हो गया, और अभी सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। इससे पहले हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।